ये सीटियां सुनकर के लग रहा है कि मैं पंजाब में पहुंच चुका हूं। पंजाब में एक टिपिकल स्टेप होता है इसके ऊपर, ढोल के ऊपर, जिसमें ऐसे बैठ करके चक्री घुमाते हैं। आता है आप में से किसी को अच्छे से करना? आ जाओ। और कोई जिसको अच्छे से आता हो? मुझे एक बार देखना है, वो सीखना है कि कैसे होता है। आप लोग बजाइए, मैं देखूं। एक घंटा और। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स। अब जाकर के थोड़ा माहौल क्रिएट हुआ है, मैं भी ट्राई करूं एक बार। यस, मेरी एक शर्त है लेकिन आप लोगों से, कि जो भी आसान है करूंगा, कोशिश करता हूं। मेरी एक शर्त है कि जो भी बारी फेरी के पैसे इकट्ठे होंगे वो मैं रखूंगा, ठीक है? तो यार जाने के लिए पैसे चाहिए ना, बस की टिकट के लिए। चलेगा? बढ़िया बंदे हैं। बजाओ। तो पार्टी करनी है या सेशन भी करना है? थैंक यू। आज के सेशन का थीम है, टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग। ये जो टर्म है ये सबने सुनी है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले बजाय ये बताने के कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या नहीं है, फिर आएंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूं और उस सोच के अकॉर्डिंग जो चीज मैं चाहता हूं बिल्कुल वैसा ही होगा, ये नहीं है पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा, पॉजिटिव थिंकिंग ये भी नहीं है कि मैं ये चीज पाना चाहता हूं और मुझे ये चीज हर हाल में चाहिए और ये चीज मुझे मिलेगी ही मिलेगी अगर मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचता रहूंगा, तो ये भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। तीसरा, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग ये भी नहीं है कि अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ अच्छा ही सोचते रहो, कुछ भी बुरा ना सोचो, बुरा इन द सेंस कि मेरे साथ में गलत हो जाएगा, आप बस यही सोचते रहोगे मेरे साथ में सब कुछ अच्छा होगा, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये तीनों ही अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग है। आपकी एक विश, एक उम्मीद है, लेकिन इसका रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा सिंपल सा, रियल लाइफ, जिससे आप सब लोग आराम से रिलेट कर पाओगे। कितने लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? तो आज से 2-3 साल पहले एक न्यूज़ आई थी जो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी होगी, और ऐसी न्यूज़ आती रहती है। एक स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड का, ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसने अपनी एक गोल सेटिंग करी, उसने अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे 12th में, मतलब के बोर्ड्स के एग्जाम्स में 98% चाहिए, और उस टारगेट के बेस पे उसने आगे की अपनी सारी प्लानिंग कर ली कि जब मेरे 98% आएंगे तो मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, ऐसे ऐसे सारी प्लानिंग करता चला गया। एग्जाम्स हुए, रिजल्ट्स आए, उसकी परसेंटेज आई 96%, और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे एक या दो एग्जाम्पल नहीं है, इंडिया के अंदर हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, जिंदगी से हार गए, जिनका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम इंडिया में? लाखों हैं, करोड़ों हैं, पता नहीं कितने हैं जिनकी जिंदगी खराब हो रही है। किस वजह से? एक गलत ट्रैक पर चलने की वजह से। अगर मैं लाइफ का आपको एग्जांपल दूं, एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? आप इमेजिन करो, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है,
कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आ रही है, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे? एक बॉल छूट गई, समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं, एक बॉल छूट गई, सुसाइड करोगे? आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहोगे उसको? मर जा? क्या कहोगे उसको कि तू हार गया, जिंदगी से हार गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है, ये करोगे? तो क्या है लाइफ? लाइफ को समझो, लाइफ वहां तक नहीं है जहां तक आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे है, जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती वो है असली जिंदगी। तो हुआ क्या, एक बॉल छूट गई, वो बॉल क्या थी? वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो नंबर्स के रूप में आपके सामने आ रही थी, एग्जाम्स के रूप में आपके सामने आ रही थी कि भैया 12th के एग्जाम्स हैं, सामने से जिंदगी ने एक अपॉर्चुनिटी फेंकी, वो निकल गई। मैं ये नहीं कह रहा वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, थी, मान लिया नंबर आ जाते तो ठीक है, कुछ अच्छा हो जाता, निकल भी गई तो क्या फर्क पड़ता है भाई? ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। एक बॉल आई एग्जाम्स की, निकल गई, कोई बात नहीं, एक दूसरी बॉल आएगी कोई और चीज की आएगी, फिर कुछ और आएगी, अरे हजारों बॉल्स आएंगी जिंदगी में। ये बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज है। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है। सामने से आई, एक बॉल आई, निकल गई, क्या फर्क पड़ता है? नंबर आ गए तो बढ़िया है, नहीं आए तो और बढ़िया है, बॉल मिस हो गई कोई बात नहीं, तैयार रहो, बैठ करके रोना नहीं है, साइड में जा करके बैठना नहीं है कि मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है, कोई दूसरी बॉल आ रही है, देखो, खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो, दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, दूसरी बॉल मिस, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस, दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए, आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का, आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई, लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं, और एक एक करके बॉल आ रही है। तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का, एक ही बॉल में उन पांच बॉल्स की कसर पूरी, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, वो एक दिन, समझ गए? जिंदगी खेल है, ज्यादा सीरियसली मत लो। एक बॉल पे छक्का पड़ गया, अब उसके बाद भी बैठना नहीं है, यहां मैंने छक्का मार दिया, छक्का मार दिया, वो 10 साल पहले मैंने छक्का मारा था, अरे क्या हो गया, 10 साल बहुत पीछे है, आज क्या कर रहा है ये मैटर करता है। तो करना क्या है, चाहे बॉल छूटे या छक्का पड़े भाई, खेलते रहो, मरते दम तक जो लाइफ सामने से फेंक रही है उसको देखते रहो, ध्यान अपना लाइफ के ऊपर रखो, सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ नहीं है, ये टेम्पररी चीजें हैं, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, कोई मैटर नहीं करता, जिंदगी खेल है, इस खेल को खेलना है, देखते रहना है, अपनी नजरें गड़ाए रखनी है, एक के बाद एक बॉल आएगी, और कोशिश करते रहना है। जो कोशिश कर रहा है वो सक्सेसफुल है, जो थक करके बैठ गया है वो फेलियर है, जो खुश होकर के साइड में बैठा हुआ है कि हाँ मैंने छक्का मार था 4 साल पहले, वो भी फेलियर है। फेलियर है भाई, जिंदा लाश है, जिंदा लाश है, धरती के ऊपर बोझ है, क्या कर रहा है कि बस एक छक्का लग गया, बैठ गया जा करके, बस हो गया खेल खत्म, जिंदगी का बस एक छक्का मारने के लिए आए थे जिंदगी में, और कुछ नहीं करना, 100 छक्के क्यों नहीं, 1000 छक्के क्यों नहीं, हाँ प्रॉब्लम क्या है? ये है जिंदगी का खेल जिसको हमको समझना है, जिसके अंदर हमको पक्के होना है, और ये है पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब, मतलब के रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग बेस्ड अपॉन फियरलेस एक्शन, बिना किसी डर के एक्ट करना है। आप देखो ना, आपका डर गायब,
स्ट्रेस गायब, डिप्रेशन गायब, प्रेशर गायब, कि जब आप अपने दिमाग में आपने बिठा ली मेरी बातें, अगर जो मैं बोल रहा हूं कि भाई नंबर आ गए, मेरे को अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी पढ़ाई में, जान लगा दूंगा पढ़ने के अंदर। अब पढ़ाई क्या चीज है, जिंदगी में जो भी काम करूंगा उसमें जान लगा दूंगा। और जो मैं चाह रहा हूं वो हुआ तो अच्छा है, और जो मैं चाह रहा हूं अगर वो नहीं हुआ तो और अच्छा, और अच्छा। आज समझ नहीं आ रहा, आगे जाकर के समझ आएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। आप में से कितने लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब कि इंटरव्यूज दे रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, या अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं? इंटरव्यू जॉब की एग्जांपल ज्यादा दे रहा जो हुक मेरे आता तो अब आ रहा है आपके पास में जॉब का एग्जांपल। अब इसमें देखो, जो चीज मैंने अभी आपको बताई उसी को जॉब के एग्जांपल में रिलेट करो। दो एक्सट्रीम्स हैं, एक है नेगेटिव थिंकिंग। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और पहले ही क्या सोच रहे हो अपने माइंड के अंदर, यार मेरा तो होगा ही नहीं, मैं चार बार गया इंटरव्यू देने के लिए तब भी मेरा नहीं हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो नौकरी मिल ही नहीं सकती, मेरी तो शक्ल देख करके मुझे अंदर नहीं घुसने देते, पहले ही बाहर निकाल देते हैं, चार चार घंटे वेट कराते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं दिमाग में। ये हो गया एक एक्सट्रीम, मतलब कि नेगेटिव थिंकिंग, ये तो भाई आपको ख़त्म करेगी ही करेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये आपको अंदर से खोखला कर देगी। दूसरी एक्सट्रीम जिसको लोग पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, जो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, वो क्या है, अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग, कि मैं जा रहा हूँ ये इंटरव्यू देने के लिए, चार बुक्स पढ़ी मोटिवेट हो गए, मेरे सेशंस देखे एकदम से मोटिवेट हो गए, एनर्जी बढ़ गई, सेशंस में जो मैं बोल रहा हूँ उसकी गहराई तक नहीं गए, बस ऊपर ऊपर से सुन लिया, ऊपर ऊपर से सुन लिया। मैं कहता हूँ ना, चीज़ों को छोड़ो, चीज़ों को नहीं छोड़ो, चीज़ों को ही पकड़ लिया। मैं कहता हूँ काम को पकड़ो, काम को छोड़ दिया, काम नहीं किया उस इंटरव्यू के लिए, और किसको पकड़ा, रिजल्ट को पकड़ लिया, आउटकम को पकड़ लिया, क्या दिमाग में भर दिया कि मैं जा रहा हूं ये इंटरव्यू देने के लिए और ये जॉब हर हालत में मुझे मिलेगी ही मिलेगी, है ना, एटीट्यूड कॉन्फिडेंस है ना पूरा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसा अगर कोई बंदा मुझे आकर के मिलेगा ना, मैं उससे पूछूंगा क्यों भाई, तुझे क्यों मिलेगी, बाकी के जो 100 लोग आ रहे हैं वहां पे, वो क्या टाइम पास के लिए आ रहे हैं, वो दूसरे ग्रह के हैं, वो पांचवी फेल है, उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास डिप्लोमा नहीं है, उन्हें जॉब नहीं चाहिए, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, तुझे ही क्यों मिलनी चाहिए, उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए, वो बेवकूफ हैं जो वहां पर आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनके पैसे नहीं लग रहे बस की टिकट के वहां तक आने के लिए, उन्हें क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग, जो लोगों को खत्म कर देता है, अंदर से खोखला बना देता है। किस तरीके से, देखो कितना सिंपल है इसको समझना, अगर आप अपने दिमाग में बोलते जाओगे कि नौकरी मुझे मिलेगी 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 मिलेगी, तो क्या होगा, टेम्पररी बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा भाई, बहुत बढ़ जाएगा, और जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अंडर कॉन्फिडेंस खराब है तो ओवर कॉन्फिडेंस भी उतना ही खराब है। किस तरीके से, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपको विश्वास होने लग जाएगा कि यार ये तो नौकरी मुझे मिलेगी ही मिलेगी, और जैसे ही आपको बिलीफ हुआ, जैसे ही आपके अंदर से आया कि मुझे नौकरी मिलेगी या मिलने ही वाली है या मिलनी ही मिलनी है, तो क्या होगा, उसके बेस पे ऑटोमेटिकली सपनों का महल खड़ा होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये कंपनी है, कितनी बढ़िया कंपनी है, देखो जब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं जा करके ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं जा करके अपनी एक बाइक खरीदूँगा, उस पैसे से मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, प्लानिंग होना शुरू हो जाएगी। होता है ऐसा, दिमाग चलना शुरू हो जाता है, और ये सेकंड्स में चलता है, मतलब ये सब चीज़ें मेरे को बोलने में 5 मिनट लग रहे हैं लेकिन ये 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में होता है। जैसे ही आपका ध्यान काम से हट करके आउटकम की तरफ गया, एक्सपेक्टेशंस का पूरा महल खड़ा हो गया, वो होना ही होना है, और उस महल के साथ में क्या खड़ा होएगा, उसके साथ साथ ही ये दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, डर कि अगर ये महल टूट गया तो क्या होगा, आना ही आना है, कि अगर नहीं मिली तो क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मम्मी का ऑपरेशन भी कराना है, हाँ फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, पापा का बिजनेस भी फेल हो गया है, ऐसी चीज जिसका जॉब से कोई कनेक्शन नहीं है, सोचो, समझने की कोशिश करना जो चीज मैं बोलने वाला हूं।
ये क्या है ये सब, ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास सर्वाइवल के लिए भी पैसा नहीं है, घर खर्च के लिए भी पैसा नहीं है, मुझे नौकरी चाहिए, भाई बिना नौकरी के शादी भी नहीं होगी, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं दुनिया में, सबकी जॉब लग गई मेरी नहीं लगी, मेरी अकेले की किस्मत खराब है, मुझे चाहिए। अब देखो रियलिटी में और इमेजिनेशन में कितना फर्क है। रियलिटी क्या है कि वो बंदा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जिसकी वजह से आपको जॉब मिलने वाली है, उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या आप जियो या मरो, आपके पास में खाने के लिए पैसे है या नहीं है, उसको इससे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो भीख थोड़ी दे रहा है, नौकरी दे रहा है भाई, तो उसको किस चीज से फर्क पड़ता है, उसको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि मेरा फायदा किस चीज में है, मेरी कंपनी का फायदा किस चीज में है, कि आपको रिक्रूट करके आपका कॉन्फिडेंस कैसा है कैसा नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। क्यों? क्योंकि अगर 100 चीजें देखी जाती हैं किसी को रिक्रूट करने से पहले, किसी भी ऐसे इंसान से पूछना जो HR डिपार्टमेंट में हो या किसी सीनियर पोजीशन पे हो जिसने कभी किसी के इंटरव्यूज लिए हो, तो आप समझ जाओगे जो चीज मैं बोल रहा हूं। कॉन्फिडेंस इज जस्ट वन ऑफ देम, कि अगर किसी इंसान के अंदर 20 क्वालिटीज देखी जाती हैं तो कॉन्फिडेंस सिर्फ एक है, सब कुछ नहीं है। किसी के अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत है, स्किल्स ही नहीं है, स्किल्स हैं एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस है एटीट्यूड नहीं है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको नौकरी ना मिले। मतलब कि वो नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में है ही नहीं, और इस चीज को हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है हमारे लिए, तब हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं उसके बारे में हम सोचते रहेंगे तो क्या होगा, एक ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट होगी जो अगेन आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ ही खराब है, फाउंडेशन ही खराब है। तो करना क्या है, अपने फायदे से हट जाओ, आपको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, भूल जाओ अपनी नौकरी को, भूल जाओ अपने फायदे के बारे में, उस कंपनी के फायदे के बारे में सोचो। रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, अब आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो बाकी के 100 लोग नहीं कर रहे, बाकी के जो 100 लोग हैं वहां पर वो भी नौकरी मांगने के लिए आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप नौकरी मांगने के लिए नहीं जा रहे, आप उस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहे हो, देख रहे हो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं, उसकी वेबसाइट को स्टडी कर रहे हो, जो जॉब प्रोफाइल है आपकी जिसके लिए आपको बुलाया जा रहा है उसको स्टडी कर रहे हो, उसको समझ रहे हो कि किस तरह का रोल आपको देने की बात की जा रही है, और अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि उस जॉब प्रोफाइल में आप किस तरह से फिट हो सकते हो, क्या ऐसा कर सकते हो जिससे कि उस कंपनी का कुछ फायदा हो। ये सब चीजें आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अगर ये सब आपने रिसर्च ही कर ली और अपने माइंड में जाकर के बैठ गया तो आपकी आंखों के अंदर ये सब चीजें नजर आएंगी सामने वाले बंदे को। मतलब आप कहां गोल सेटिंग कर रहे हो, कहां काम कर रहे हो, वो काम जो अभी करना है, और जब आप जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, जब उस कमरे में एंटर करने वाले हो, तो आप क्या सोच रहे हो। देखो वहां पे जो बाकी के लोग हैं वो दो ही चीजें सोच सकते हैं, या तो ये डरे हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर कि पता नहीं मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, बकवास, जिसके अंदर पहले ही इतना डर आ गया उसके मिलने के चांसेस वैसे ही कम हो गए। दूसरे होंगे जो बैठ करके सोच रहे होंगे हाँ मुझे ही मिलेगी, मुझे ही मिलेगी, मुझे ही मिलेगी, क्यों मिलेगी, कोई वजह ही नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे हो उस समय, आप वहां पर बैठ करके बड़े ठंडे दिमाग से ना ये सोच रहे हो कि नहीं मिली तो क्या होगा, ना ये सोच रहे हो कि मिल गई तो क्या होगा, बड़े आराम से अपने अंदर ही अंदर बोल रहे हो कि भाई मैं जितना रिसर्च कर सकता था इस कंपनी के बारे में वो मैंने करी, जितना रिसर्च कर सकता था इस जॉब प्रोफाइल के बारे में वो मैंने करी, जितना मैं एफर्ट डाल सकता था उतना मैंने डाला इस जॉब इंटरव्यू के लिए, अपना 100% लगाया, पूरी तैयारी के साथ आया, और अंदर जाकर के भी अपनी पूरी तैयारी के साथ बोलने वाला हूं जो भी वो पूछने वाले हैं, उसके बाद में अगर मुझे नौकरी मिली तो अच्छा है मेरे लिए भी और उस कंपनी के लिए भी, मेरे लिए भी और उस कंपनी के लिए भी, क्योंकि मैं सिर्फ जॉब इंटरव्यू में अपना 100% नहीं दूंगा भाई, जब ये जॉब मुझे मिलेगी ना अपने काम में भी अपनी जान लगा दूंगा, 100% दूंगा। और ये चीजें आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप वहां बैठे होंगे ना आपकी आंखों में दिख रही होंगी, ये चीजें डिसाइड करेंगी कि नौकरी आपको मिलेगी या किसी और को मिलेगी। और दूसरी तरफ से आप क्या सोच रहे होगे, एक तरफ से तो ये हो गया
ये अगर मिली, मिल गई तो भैया अच्छा है मेरे लिए भी और उस कंपनी के लिए भी, और अगर नहीं मिली तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, इस बेचारी कंपनी का नुकसान हो गया। इनको पता ही नहीं है इन्होंने क्या खो दिया। भाई मैंने तो काम करना था इस कंपनी में, मैं काम करने के लिए ज्वाइन कर रहा था, धोखा देने के लिए नहीं। और जब ये ईमानदारी आपकी आंखों में दिखना शुरू हो गई तो आपको सिर्फ जॉब ही नहीं मिलेगी, जो किसी को भी मिल सकती है, आपको सिर्फ जॉब ही नहीं मिलेगी, उस कंपनी में प्रमोशंस भी मिलती ही चली जाएगी। भाई फाउंडेशन स्ट्रांग है, नींव मजबूत है, आप हवाई महल खड़े नहीं कर रहे, आप सीधी सी बात कर रहे हो कि जॉब इंटरव्यू है, मुझे आज क्या करना है, कल क्या होगा छोड़ो, आज क्या करना है भाई, जॉब इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू दिया, नौकरी मिली, बहुत बढ़िया है, मिल गई, अब थोड़ी देर तक खुश होना है, जितनी देर तक मन कर रहा है, पार्टी करनी है कर ली, इंजॉय करना है कर लिया, लड्डू खिलाने हैं खिला दिए, अब क्या करना है, अब बैठना नहीं है कि नौकरी मिल गई अब तो बस लाइफ सेट हो गई, जैसे बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड होता है। नहीं, जॉब मिल गई, दिस इज नॉट दी एंड, लाइफ तो भैया बॉलिंग करती चली जा रही है, अब मुझे अपना 100% लगाना है इस काम के अंदर। जब तक इस काम को मैं इस हद तक नहीं कर लेता जिस हद तक कोई सपने में भी करने का नहीं सोच सकता, जब तक इस काम को मैं इतने परफेक्शन के साथ नहीं कर लेता, इस काम में मैं एक्सीलेंस अचीव नहीं कर लेता, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं भाई। तो प्रमोशन होनी ही होनी है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और किसी वजह से अगर आपको निकाल भी दिया उस कंपनी से तो आपको डर नहीं होगा, क्योंकि आप एक पक्के खिलाड़ी होगे भाई, आपको विश्वास होगा, और वो विश्वास अंधविश्वास नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूं मैं वो कर सकता हूं, वो विश्वास होगा क्योंकि आप उस काम के पक्के खिलाड़ी हो, चाहे वो सिंपल सी अकाउंटिंग की जॉब है। पकड़ो उस चीज को जो मैं बोल रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, कि अगर आपका फोकस हमेशा काम पे रहा तो क्या होगा, आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन गए, वो कंपनी बंद भी हो गई आप किसी दूसरी कंपनी में भी गए तो वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा, आप जाकर के बोलोगे मुझे कोई सैलरी मत देना एक महीने के लिए, मेरा काम देखो, और अगर काम पसंद ना आए तो मुझे जाने के लिए बोलना, आप बोल ही नहीं सकते मुझे जाने के लिए, काम तो देखो मेरा, है इतनी ताकत बोलने की, है इतना कॉन्फिडेंस बोलने का, वो कहां से आएगा, वो हवाई कॉन्फिडेंस से नहीं आएगा, वो किसी अंधविश्वास से नहीं आएगा, वो आएगा विश्वास से, जो बेस्ड होगा आपकी नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी एक्सीलेंस के ऊपर, आपके जुनून के ऊपर, आपके जज्बे के ऊपर, उस काम को करने का जुनून, उस काम को करने का जज्बा, उस काम को करने का परफेक्शन। अगर आप किसी भी छोटे से छोटे काम में एक्सीलेंस अचीव कर गए ना भाई, लोग तो ढूंढते हुए आएंगे आपके पास में, कोई जाने नहीं देगा आपको अपनी कंपनी से, कोई नहीं निकालेगा, मतलब अगर इस रास्ते पर आप चले तो सिर्फ आपको नौकरी मिलना सिक्योर नहीं है, आपकी पूरी की पूरी लाइफ सिक्योर है। हो गया जॉब का एग्जाम्पल, काफी है और दू। अब एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल, सिंपल सा। यहाँ पर आप में से कितने लोग हैं जिनका अभी एक सीरियस अफेयर चल रहा है, लड़के के साथ या लड़की के साथ, व्हाटएवर। बहुत सारे लोग अपने हाथ ऊपर नहीं कर रहे, स्पेशली वो जो अपने माँ बाप के साथ आए हुए हैं कि भाई आज ही पोल खुल जाएगी। तो अब देखो इस केस में अगर पॉजिटिव थिंकिंग को अप्लाई करना हो तो वो क्या है, रिलेशनशिप्स में, रिलेशनशिप्स में, क्योंकि भाई रिलेशनशिप्स तो सबको निभाना ही है ना, कोई जॉब करेगा बिजनेस करेगा, रिलेशनशिप्स तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बनेगी ना, तो रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग। लोग इसका मतलब कुछ और समझते हैं जबकि वो नहीं है, कुछ और है। लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे साथ पिछले कुछ सालों में जब से भी हमारा ये अफेयर चल रहा है, आप अभी आप में से किसने हाथ ऊपर किया था, कब से चल रहा है आपका, एक साल से चल रहा है, बहुत बढ़िया, भगवान बचाए आपको। शादी करने का प्लान है, बहुत बढ़िया, ये वीडियो दिखा देना अपनी वाइफ को या होने वाली वाइफ को, खुश हो जाएगी वो, इतनी पब्लिक के सामने, इतनी जनता के सामने आपने तो खुलासा कर दिया, प्यार करेंगे खुल्लम खुल्ला, बहुत बढ़िया। तो अब देखो कितना मज़ेदार है ये पॉइंट, कि इसमें हम पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये समझते हैं
कि एक साल से मेरा अफेयर चल रहा है उस इंसान के साथ में और हमारा रिलेशन तो बहुत ही बढ़िया है. जब कम टाइम के लिए अफेयर चलता है ना तो सबको ये गलत फहमी हो जाती है ज़्यादातर लोगों को. और ये सारी बातें भी मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ. कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है. मैं और मेरी वाइफ पिछले 18 साल से साथ में है. 18 years हमारी इंटरकास्ट मैरिज है. मैं हिंदुस्तान से हूँ और वो पाकिस्तान से नहीं है. वो पंजाबी है और मैं बनिया हूँ तो पंजाब से है. तो मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या, रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग करना है तो क्या. कोई 4 दिन की वर्कशॉप नहीं, कोई 20 किताबें नहीं, सिर्फ एक वर्ड में, एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर दो. या अगर एक्सपेक्टेशंस हो तो रियलिस्टिक हो, अनरियलिस्टिक ना हो. जैसे आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, स्पेशली बिजनेसमैन वगैरह जो लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो लोग बोल रहे होते हैं कि यार इस आदमी के बस का कुछ है ही नहीं, मुझे पहले ही पता था ये काम को नहीं कर पाएगा, बेवकूफ कहीं का. सुना है ये डायलॉग? सुना है? बहुत बार सुना है. ध्यान से देखो इन दोनों में से बेवकूफ कौन है. कि भाई साहब जब आपको पता था कि वो आदमी उस काम को नहीं कर पाएगा तो आपने दिया क्यों? बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ आप हो. मछली बेचारी आराम से पानी में तैर रही है, उसको कह रहे हो कि उड़ भाई उड़, चल बाहर निकल उड़, और वो नहीं उड़ रही तो मछली को देख के कह रहे हो बेवकूफ है. गुस्सा कर रहे हो उस मछली के ऊपर, अरे तेरे से उड़ा नहीं जाता, गधी है क्या, अकल नहीं है तेरे अंदर. ऐसी ऐसी चीजें हम करते हैं और फिर अपने गुस्से का ब्लेम उठा करके किसी और के ऊपर डाल देते हैं. हर आदमी के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई वीकनेसेस होती है. तो अगर उस आदमी से उतना ही एक्सपेक्ट करो जितनी की उसकी स्ट्रेंथ है तो कभी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ नहीं लगेगा. सो सिंपल. आप में से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आज तक अपनी खुद की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करी हो? एक भी नहीं है. तो दूसरों से आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई कि वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगे? हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट कर देते हैं. पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ही गलत निकालते हैं. मतलब ये निकालते हैं कि अगर हमारा रिलेशन पिछले 1 साल से या 2 साल से अच्छा चल रहा है, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, तो फ्यूचर के बारे में भी अगर हम अच्छा ही सोचेंगे तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा शादी के बाद भी. लोग ये मतलब निकालते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का. ये बड़ी खतरनाक थिंकिंग है. अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग कि अभी पिछले 1 साल में या 2 साल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हमारे बीच में तो आगे भी नहीं आएगी, हमारा रिलेशन तो बहुत बढ़िया है. ऐसे लोगों के साथ पता है क्या होता है? वो लड़का और लड़की खुद ही अपने माइंड में अपने अपने सपनों के महल खड़े कर लेते हैं. होता है ऐसा कि ये जो लड़का है ये तो इतना अच्छा है, आने वाले टाइम में मेरा इतना ध्यान रखेगा, ये औरों के जैसा नहीं है, ये मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करेगा. तो ये है अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग कि अगर मैं सोच रहा हूं सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा, जबकि ये ऐसा नहीं है भाई. रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग क्या कहती है कि आज तक अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई तो कोई बात नहीं भैया, अभी तक शादी नहीं हुई थी इसलिए नहीं आई. लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं आएगी, आएंगी. एक नहीं आएगी, 1000 आएगी और हर रोज आएगी, रोज एक नई प्रॉब्लम आएगी. लेकिन हमें क्या करना है, हम दोनों को मिल करके, कि हमारा ध्यान कभी भी उन प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं होगा, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ होगा. लड़ने पर नहीं होगा, रास्ता निकालने पर होगा. ये एक सिंपल से कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए. अब जो भी मैंने कुछ कहा आज के पूरे सेशन में, अगर उसको सम अप करना हो तो वो क्या है? अगर मैं अपने इस दुनिया को देखने के नज़रिए को उठा करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूं तो मेरा नज़रिया क्या है इस दुनिया को देखने का, जो मुझे डर से आज़ादी की तरफ ले जाता है, पूरी तरीके से फियरलेस बना देता है. कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, खुल के ज़िंदगी जीने के लिए आगे बढ़ाता है.
दबाता नहीं है, रोकता नहीं है, वो क्या है? आने वाले कल में क्या होगा? कल तो बहुत दूर की बात हो गई, आने वाले पल में, मतलब कि अभी मैं आप लोगों के सामने यहां पर खड़ा हुआ हूं, आपसे बात कर रहा हूं, अगले सेकंड में जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कोई जानता है? देखो लाइफ कितनी फ्रेजाइल है जिसके बेस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं। ध्यान से देखना अभी क्या हो रहा है। सांस आई गई, सांस आई गई, सांस नहीं आई, खेल खत्म, सारे प्लान खत्म, सारे महल खत्म, सारी पावर खत्म, सारा पैसा खत्म, सारे रिलेशंस खत्म, सब कुछ खत्म, सब जल गया, क्या बचा? इसके पीछे हम इतनी टेंशन ले रहे हैं, जो चीज इतनी फ्रेजाइल है जिसका कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या होने वाला है, उसको ले लेकर के हम परेशान हो रहे हैं कि 20 साल बाद क्या होगा, मेरे पोते पोती की शादी में क्या होगा, ये प्लानिंग कर रहे हैं बैठ करके, क्या कर रहे हैं? तो मेरी लाइफ को देखने का नजरिया क्या है, मैं किस तरीके से जिंदगी को जीता हूं कि आने वाले पल में क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि अगर मुझे कोई आ करके ये बता भी दे, कोई ज्योतिष या कोई भी, कि भैया अगले पल में तेरे साथ ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, 10 साल बाद ये होने वाला है, मैं उसको कहूंगा चल हट साइड में बैठ, मुझे नहीं जानना। क्योंकि अगर ये पता लग गया तो जिंदगी जीने का एक्साइटमेंट खत्म, मजा खत्म, थ्रिल खत्म, लाइफ बोरिंग, फिर जिंदगी जी नहीं पाऊंगा, जिंदगी कटेगी। पहले ही पता है मेरे साथ में अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया, पहले ही पता है मेरे साथ में बुरा होने वाला है, अभी से रोने बैठ जाओ, 2 साल बाद होगा, अभी से रोने बैठ जाओ, ठीक है? तो मैं नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूं गुजरे हुए कल में क्या हुआ, कल मैंने ये सक्सेस अचीव करी, कल मेरी लाइफ में ये फेलियर आया, उसका इस आज से क्या कनेक्शन है? इन दोनों जगह पर जितनी मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कुछ एनर्जी यहां पड़ी हुई है, कुछ एनर्जी यहां पड़ी हुई है, कुछ पावर्स यहां पर हैं, कुछ पावर्स यहां पर हैं, पास्ट से और फ्यूचर से पूरी तरीके से खींच करके उस पूरी की पूरी एनर्जी को, उस पूरी की पूरी पावर को इस मूवमेंट में लेकर के आना है, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट मूवमेंट। और इस मूवमेंट के अंदर जो काम भी मैं कर रहा हूं, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, उस काम में अपना 100% लगा देना है। सिर्फ अपने माइंड को नहीं लगाना उस काम के अंदर, सिर्फ अपनी बॉडी को नहीं लगाना, अपनी आत्मा को डाल देना है उस काम के अंदर, उस काम को पूजा बना देना है।